Hello, good morning students. Today in 12th class physics, we are starting a new topic, compound microscope. बच्चों इसमें बहुत सारे concepts जो हैं simple microscope के use होने वाले हैं. So if you have not done simple microscope, तो पहले simple microscope करके फिर उसके बाद इस topic को visit करना. Compound microscope is used to view very minute objects. बहुत सारे छोटे ऑब्जेक्ट्स जिनको जनरली हम लोग आम भाषा में माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. सो दिस रेफरेंस इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर वेरी वेरी स्मॉल एंड विच कैन नॉट बी सीन क्लियरली विद एन अनएडेड आई और इवन विद अ सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप से भी जिनको नहीं देख पाते उसके लिए अभी हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं. सो वी विल बी यूजिंग सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑल्सो. अब यहां पर कंस्ट्रक्शन में अगर अभी हम लोग देखें, सबसे पहली चीज तो यूज टू व्यू वेरी माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स. अब इसके कंस्ट्रक्शन में अगर अभी हम लोग देखें, दिस कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेस. बच्चों इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस है and this is the second convex lens. The lens which is towards the object is termed as the objective lens, and the lens which is towards the eye ki position bachcho yahan kahin par hai, this is termed as the eyepiece. This is also termed as ocular lens, eyepiece lens or the ocular lens. अब इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, ऑब्जेक्टिव लेंस विच इज टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बच्चों यहां कहीं पर होगा. दिस ऑब्जेक्टिव लेंस इज हैविंग अ स्मॉल फोकल लेंथ एंड अ स्मॉल अपर्चर. ऑब्जेक्टिव लेंस इज हैविंग अ स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर. इसका साइज देखो बच्चों छोटा है. साइज ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस इज स्मॉलर एज कंपेयर टू वॉट द साइज ऑफ द आई पीस लेंस. यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट है और यहां कहीं पर आई की पोजिशन, एंड द आई पीस दिस इज लार्जर फोकल लेंथ एंड लार्जर अपर्चर. तो ये तो थोड़ा सा भी हम लोग ने कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया. और एक और चीज बहुत सिंपल कि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ बोथ ऑफ दीज इज कॉमन. प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉमन. दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज की जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कॉमन है. मतलब ऐसा नहीं है एक लेंस यहां का रखा है और दूसरा थोड़ा सा नीचे रखा है. इसकी प्रिंसिपल एक्सिस यहां कहीं पर होगी, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर होगी. सो दीज आर हैविंग अ कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस. और प्रिंसिपल इसका जो है वर्किंग प्रिंसिपल वो यही है जो अभी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में. द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस. ऑब्जेक्टिव लेंस को बच्चों L1 नाम दे दे रहे हैं ना, और इसको L2 नाम दे दे रहे हैं. द इमेज फॉर्म्ड बाय L1 एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट acts as an object for L2. इससे जो इमेज बनेगी वो सेकेंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी. एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय L1 लाइज विद इन द फोकस ऑफ L2. मतलब इससे जो इमेज बनने वाली है वो दूसरे लेंस के फोकस के अंदर आएगी. और ये चीज अभी हम लोग मालूम है दिस वी हैव डिस्कस्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने फोकस के अंदर रखा तो क्या होगा, उसका मैग्निफाइड एंड इरेक्ट इमेज बनती है. तो इसमें अभी हम लोगों ने बोला ये पहला लेंस एक इमेज बनाएगा, वो इमेज इसके फोकस के अंदर आएगी और ये
फिर एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा। सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसी होती है? सिंपल माइक्रोस्कोप वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, हमने ये बताया था ऑब्जेक्ट की पोजीशन इज बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। तो इसने जो इमेज बनाई, पहले लेंस ने जो इमेज बनाई वो दूसरे लेंस के फोकस के अंदर लाई कर रही, और अगर इसकी इमेज, इस लेंस की इमेज दूसरे लेंस के फोकस के अंदर लाई कर रही है तो ये अब सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा। सो आईपीस विल बी एक्टिंग एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो एक मैग्निफिकेशन ये जनरेट करेगा, दूसरा मैग्निफिकेशन ये जनरेट करेगा, एंड द कंबाइंड मैग्निफिकेशन कैसे मिलेगा? दोनों के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था दैट इफ यू आर हैविंग टू लेंसेज और थ्री लेंसेज और फोर लेंसेज, तो भाई पहले ने एक मैग्निफिकेशन जनरेट किया, दूसरे ने भी एक मैग्निफिकेशन जनरेट किया, और कंबाइन अगर करना है तो क्या करोगे? मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अब हम लोगों ने मैग्निफिकेशन की एक नई डेफिनेशन पढ़ ली है। मैग्निफिकेशन की नई डेफिनेशन क्या है? द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन इट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो अब हम लोग इसमें क्या बोलते हैं? सपोज ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये बच्चों ऑब्जेक्ट है, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन व्हाट हैपेंस? दिस पासेस थ्रू द फोकस। सपोज बच्चों ये फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस है, सो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड टू एफ फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो ऑब्जेक्ट अभी हम लोगों ने रखा है, दिस इज प्लेस बिटवीन एफ एंड टू एफ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, और इससे जो इमेज बनेगी, ये देखना, दिस एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। इसने, पहले लेंस ने जो इमेज बनाई वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब ये ए डैश बी डैश नाउ एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस, और इसमें द फोकल लेंथ ऑफ द सेकेंड लेंस इस एफ ई, और इसका ये जो फोकस है बच्चों, इसको अभी हम लोग एफ ई मार कर दे रहे हैं। कैपिटल एफ ई विल बी रिप्रेजेंटिंग द फोकस ऑफ द सेकेंड लेंस, और ये जो फोकल लेंथ है ये अभी हम लोग यहां पर मार कर ले रहे हैं एफ ई। नाउ इफ यू हैव टू फाइंड द फाइनल इमेज, द पोजिशन ऑफ द फाइनल इमेज, ये कैसे आएगा? इसका फोकस मार्क करो, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द फोकस एंड फाइनली, ये दोनों जो लाइट रेस है, दीज आर डाइवर्जिंग लाइट रेस एंड दीज अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड। ऐसा लगेगा
कि ये जो है पीछे कहीं से जस्ट वन these light rays, these diverging light rays appear to be coming from this point, and this is the position of the final image. A double dash and B double dash. अब इसको देखना ध्यान से. ये पूरी working इस diagram में clear हो जाएगी. This is the object which is placed between F and 2F. इसमें object जो अभी हम लोगों ने रखा है. ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड बिटवीन एफ ओ एंड टू एफ ओ एंड इट फॉर्म्स इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज. A dash, B dash. इसने एक इन्वर्टेड और मैग्निफाइड इमेज बनाई एंड दिस इमेज A dash, B dash फॉर्म्ड बाय L1 लाइज इनसाइड द फोकस ऑफ L2. लाइज इनसाइड व्हाट? The focus of L2. अब ये पता चल गया कि इसने पहले लेंस ने जो इमेज बनाई वो दूसरे लेंस के फोकस के अंदर बनी. अब ये सेकेंड लेंस इसकी एक मैग्निफाइड इमेज फॉर्म करेगा विच विल बी ए डबल डैश एंड बी डबल डैश. सो दिस इज द फाइनल इमेज. तो एक मैग्निफिकेशन तो बच्चों इसने प्रोड्यूस किया और दूसरा ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है. और सिंपल माइक्रोस्कोप में अभी हम लोगों ने यही पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई कर रहा है तो उसकी एक मैग्निफाइड इमेज ये फॉर्म करता है. सो नाउ वी विल नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अब बच्चों ये सारी चीजें अभी हम लोग रफ कर दे रहे हैं बिकॉज हियर वी विल बी डूइंग व्हाट द कैलकुलेशंस. ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. इसको इसके ऑप्टिकल सेंटर को अभी हम लोग C1 मार्क कर दे रहे हैं. इसके ऑप्टिकल सेंटर को अभी हम लोग C2 मार्क करेंगे. अब इसके बाद the distance of the object from the first lens UO, the distance of the image from the first lens formed by the first lens, ये बच्चों VO है. Now this will be acting as an object for the second lens. ये वाला जो ये first lens ने जो image बनाई है A dash B dash वो second lens के लिए object का काम करेगी. इसलिए इस distance को अभी हम लोग UE लिख दे रहे हैं. ये eyepiece lens के लिए object का काम कर रही है इसलिए इसको अभी हम लोग ने object distance ये mark कर दिया. अब magnification अब हम लोग लिखेंगे इसमें. M. This will be the ratio of the angle subtended by
the final image. Final image at the eye to what? The angle subtended by the object at eye when the object is placed at least distance of distinct vision. डी क्या चीज है बच्चों? डी अभी हम लोगों ने बता दिया था, डी इज 25 सेंटीमीटर. ठीक. अब नाउ सपोज वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट व्हाट द मैग्निफिकेशन. फाइनल इमेज बच्चों ये है, यहां कहीं पर आई की पोजीशन है. अब इसका ये जो फाइनल इमेज आई पर एंगल सबटेंड कर रही है, इसको अभी हम लोगों ने बीटा मार्क कर दिया. अब इसमें अभी हम लोगों ने ये बोला कि मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू व्हाट? बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा. बीटा इज व्हाट? द फाइनल द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई. तो इसमें पहले लेंस ने ए डैश बी डैश इमेज बनाई, ये सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और सेकेंड लेंस ने इसकी फाइनल इमेज ए डबल डैश और बी डबल डैश बनाई. अब फाइनल इमेज का आई पर एंगल बीटा है. अब अल्फा क्या है? अल्फा, ये चीज क्लियर रखना, दिस हैज नथिंग टू डू विद द इंस्ट्रूमेंट. ये अभी हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में भी बहुत डिटेल में कहा था कि अल्फा क्या है? इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई अनएडेड आई, मतलब बिना इंस्ट्रूमेंट के जो एंगल बनेगा आई पर, मैक्सिमम एंगल, उसको अभी हम लोगों ने अल्फा बोला. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो इसका आई पर कुछ एंगल बनेगा. आप इसको पास में लेकर आओगे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट को अगर आपने इतने डिस्टेंस पर रखा तो ये एंगल बनेगा. आप इसको पास में लेकर आओगे तो एंगल बड़ा हो जाएगा. तो अब आप क्या करोगे इसको मैग्निफाई करने के लिए विदाउट इंस्ट्रूमेंट? आप इसको पास में लेकर आते जाओगे. मैक्सिमम कितना पास में ला सकते हो? 25 सेंटीमीटर तक ला सकते हो. 25 सेंटीमीटर से कम अगर आप करोगे तो क्या होगा? विजन जो है वो क्लियर नहीं रहेगा, डिस्टिंक्ट विजन नहीं रहेगा, ब्लर्ड विजन रहेगा. सो द मैक्सिमम नियर पॉइंट विल बी व्हाट? 25 सेंटीमीटर. और यू कैन से दैट दिस ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी ब्रॉट क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर. आप सबसे ज्यादा पास में इसको कहां तक ला सकते हो? आप इसको 25 सेंटीमीटर तक लेकर आ सकते हो. तो आप इसको 25 सेंटीमीटर पर रखें और एंगल मेजर कर लो. इसको अभी हम लोगों ने क्या बोल दिया? अल्फा. ये हर केस में, हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बच्चों ये अल्फा सेम रहने वाला है. अल्फा इज व्हाट? द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई. अब हम लोगों ने क्या किया, इसको ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखा है? डी डिस्टेंस पर. अब tan alpha for small angles will be equal to alpha and this will be equal to what? AB upon D. तो अल्फा बच्चों सभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सेम रहने वाला. अल्फा ये याद रखना, हम बार बार कह रहे हैं, इट इज द एंगल विच इज सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, मैक्सिमम एंगल. अभी हम लोग इसको अगर पास में लेकर आते जाएं, ऑब्जेक्ट को अगर आप पास में लाओगे तो इसका साइज बढ़ेगा. साइज क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई इंक्रीज होता है. एंड द परसेप्शन ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द एंगल सबटेंडेड बाय इट. वो जितना एंगल बनाता है उसके कारण ऑब्जेक्ट का साइज दिखता है. तो अब हम लोगों ने इसमें यह बोला कि आप कितनी पास तक किसी ऑब्जेक्ट को ला सकते हो, वो कितना है? 25 सेंटीमीटर. तो आप 25 सेंटीमीटर दूर पर आप ऑब्जेक्ट को रख लो और अल्फा निकाल लो. तो अल्फा विल बी इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय डी. अब नेक्स्ट इसमें बीटा.
tan beta will be equal to beta for small angles, and this will be equal to what? A double dash B double dash, ये perpendicular divided by base, ये perpendicular A double dash B double dash है, और base कितना है? Base है C to B double dash. ये final image I पर जो angle बना रही है, यहां कहीं पर I है, final image I पर जो angle बना रही है उसको beta बोला. तो tan beta कैसे मिलेगा? Perpendicular divided by base, तो perpendicular A double dash B double dash, और base कितना है? C to B double dash. अब इसमें बीटा की वैल्यू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन सी टू बी डबल डैश अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों? अल्फा की वैल्यू ए बी अपॉन डी. तो इससे अभी हम लोगों को मैग्निफिकेशन मिलेगा. अब मैग्निफिकेशन अभी हम लोग स्पेसिफिक दो केसेस के लिए निकालते हैं. सबसे पहला केस क्या है बच्चों इसमें? सबसे पहला केस है व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट डी. हम लोगों ने इसमें यह बोला कि किसी ऑब्जेक्ट को, अब ये सारे कॉन्सेप्ट सिंपल माइक्रोस्कोप में भी बताए थे, आज फिर से थोड़े से रिपीट कर रहे हैं. हमने बोला कि अनएडेड आई विदाउट इंस्ट्रूमेंट आप अगर इसको पास में लाते जाओगे तो मैक्सिमम कितना बड़े साइज का आप देख सकते हो निकाल लो. आप इसको दूर रखोगे ऑब्जेक्ट का साइज छोटा समझ में आएगा. ऑब्जेक्ट छोटा क्यों समझ में आएगा? क्योंकि आई पर एंगल कम बनेगा. पास में लाओगे तो एंगल बड़ा हो जाएगा, और पास में लाओगे तो एंगल और बड़ा हो जाएगा. कितना आप एंगल बड़ा कर सकते हो? जब आप सबसे पास में ले आओगे इसको, जब ये सबसे ज्यादा पास में होगा तो एंगल सबसे बड़ा होगा, और इस एंगल को अभी हम लोगों ने अल्फा बोला. अब उसके बाद क्या किया आपने? आपने इंस्ट्रूमेंट लगाया, इंस्ट्रूमेंट ने एक इमेज बनाई, और इमेज का आई पर जो एंगल बनेगा वो बीटा है. तो भाई ये अल्फा अनएडेड आई का है, ये इंस्ट्रूमेंट के साथ है. तो इससे अभी हमें ये पता चलता है कि इस इंस्ट्रूमेंट ने ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा कर दिया. ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए, ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बीटा को इंक्रीज करते हैं. सो टू इंक्रीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वी हैव रिटन इन अर्लियर क्लासेस आल्सो, अर्लियर लेक्चर्स आल्सो. टू इंक्रीज द साइज बीटा इज इंक्रीज. कोई बोलेगा भाई अल्फा को कम कर दो, तो अल्फा को अभी हम लोग कम ज्यादा नहीं कर सकते. अभी हम लोगों ने बोला अनएडेड आई के साथ आप सबसे बड़ा कितना कर सकते हो वो देख लो. आप इसको पास में लाते जाओ, 25 सेंटीमीटर तक लेकर आओ, सबसे बड़ा दिखेगा. फिर इंस्ट्रूमेंट के साथ, अब इंस्ट्रूमेंट लगाया तो इंस्ट्रूमेंट ने क्या किया? उसकी एक इमेज बनाई, और इमेज की आई पर जो एंगल बन रही है वो निकाल लो बीटा. तो इससे अभी हम लोग को ये पता चलेगा कि बीटा इंस्ट्रूमेंट के साथ, अल्फा बिना इंस्ट्रूमेंट के साथ, दोनों का जो रेशियो है वो मैग्निफिकेशन मिल जाएगा. अब इसमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब मिलेगा? इंस्ट्रूमेंट के साथ. भाई अभी हम लोगों ने ये बोला कि इंस्ट्रूमेंट ने एक बड़ी इसी इमेज बना दी. कहां पर बना दी? बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर बना दी, है ना. अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं. कैसा एडजस्टमेंट कर रहे हैं? कि उस फाइनल इमेज को भी पास में ला रहे हैं. हम लोग ये बोलेंगे उस फाइनल इमेज को भी आप पास में लेकर आओ, क्योंकि फाइनल इमेज, सपोज दिस इज द फाइनल इमेज, दिस इज फाइनल इमेज, और ये बच्चों आई की पोजीशन है. ये क्या था? ए डबल डैश और बी डबल डैश. अब हमने बोला कि उसी फाइनल इमेज को थोड़ा सा पास में बना लो. अब वो जो फाइनल इमेज बन रही थी उसको आप और पास में ले आओ, तो क्या होगा? ये फाइनल इमेज का आई पर जो एंगल है वो बढ़ जाएगा. आप और पास में ले आओ तो बीटा और बढ़ जाएगा. तो आप बीटा कितना बढ़ा सकते हो? मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हो? जब वो फाइनल इमेज कहां पर बन जाए? कैपिटल डी पर बन जाए, मतलब 25 सेंटीमीटर पर बन जाए. तो अब हम लोग यही केस लेते हैं. सबसे पहला फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट डी. अब देखो इसमें कैसा लिखेंगे. मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू व्हाट? बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा. बीटा क्या है? दिस इज इक्वल टू
ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन सी टू बी डैश, ये जो डिस्टेंस है अब हम लोग इसको अलग कलर से लिख दे रहे हैं। ये जो फाइनल इमेज बनी है बच्चों कितने डिस्टेंस पर बनी है, डी डिस्टेंस पर। तो अब ये क्या आ जाएगा, टैन बीटा कितना आ जाएगा, विल बी ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय डी। हम लोगों ने क्या किया, सी टू बी डबल डैश, सी टू बी डबल डैश इसको इक्वल टू डी रख दिया क्योंकि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। अब अल्फा क्या है, तो अल्फा वो लिखा होगा ए बी अपॉन डी। अब क्या होगा इसमें बच्चों, डी और डी कैंसिल होगा और फाइनली आंसर क्या मिलेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय ए बी। तो मैग्निफिकेशन इसमें क्या आ गया, ए डबल डैश इसमें अब हम लोगों ने ऊपर और नीचे किससे, ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, वी आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ए डैश बी डैश। अब इसमें देखो ए डबल डैश डिवाइडेड बाय ए डबल डैश डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी। इन दोनों टर्म्स के बारे में सोचकर देखना, पहले लेंस का ऑब्जेक्ट कौन सा है, L1 के लिए, L1 के लिए ऑब्जेक्ट देखना ध्यान से, ऑब्जेक्ट ए बी है और इमेज ए डैश बी डैश है। और लेंस L2 के लिए बच्चों, लेंस L2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए डैश बी डैश और इमेज क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश। ऑब्जेक्ट कौन सा बच्चों इसके लिए, पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ही है, इमेज ही है, लिखा है क्लियरली, पहले लेंस ने जो इमेज बनाई वो ए डैश बी डैश। अब ये दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश है और इमेज ए डबल डैश और बी डबल डैश है। तो अब ये क्या चीज है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। किसके लिए बच्चों, ए डबल डैश बी डबल डैश और ए डैश बी डैश कहां पर है, ये देखो ये किसके लिए, सेकेंड लेंस के लिए फॉर एल टू। और ये क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए है, ये बच्चों L1 के लिए। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में ये क्या चीज है, ये मैग्निफिकेशन ऑफ L2 है और ये मैग्निफिकेशन ऑफ L1 है, क्योंकि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या देता है, मैग्निफिकेशन देता है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ L2 इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ L1 ऐसा मिल गया। अब मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और है तो बच्चों ये वाली चीज अभी हम लोग ड्रॉप कर दे रहे हैं, है ना। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और कौन सा है, मैग्निफिकेशन इज इमेज डिस्टेंस, ये अभी हम लोग पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, ये 10th क्लास में भी था सिलेबस में। इमेज डिस्टेंस अपॉन व्हाट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अब देखो L2 का मैग्निफिकेशन क्या आएगा, L2 का मैग्निफिकेशन, L2 के मैग्निफिकेशन में बच्चों ये सेकेंड लेंस का मैग्निफिकेशन, इसकी इमेज डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस d है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ue है। फिर से देखना, ये सेकेंड लेंस का ये ऑब्जेक्ट है, सेकेंड लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ue
इमेज का डिस्टेंस बच्चों डी, तो हम लोग इसको कैसा लिखेंगे, एल टू का मैग्निफिकेशन ये आ जाएगा माइनस डी इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू ई। दोनों नेगेटिव क्यों हैं, क्योंकि आपने ये दोनों डिस्टेंसेस यू ई लेफ्ट साइड पे मेजर किया, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ यू ई और ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ डी ये मेजर किया। अब इसके बाद ए डैश बी डैश, अब ए डैश बी डैश बच्चों देखो, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इसको क्या लिख सकते हैं, ये दिस इज व्हाट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द फर्स्ट लेंस। अब पहले लेंस का इमेज डिस्टेंस, पहले लेंस का इमेज डिस्टेंस ये लिखा हुआ है, पहले लेंस का इमेज डिस्टेंस, पहले लेंस की इमेज ए डैश बी डैश और इसका इमेज डिस्टेंस वी ओ, ये राइट की तरफ मेजर हो रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा, तो प्लस वी ओ अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा यू ओ। तो हम लोगों ने ये क्या किया है, मैग्निफिकेशन लिखा है, मैग्निफिकेशन किसके टर्म्स में लिखा है बच्चों, मैग्निफिकेशन लिखा है अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में, और ये कैसा है, हम लोगों ने बोला पहले लेंस का इमेज डिस्टेंस वी ओ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ओ, दूसरे लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ई और इमेज डिस्टेंस, बच्चों इमेज डिस्टेंस अभी हम लोगों ने ग्रीन कलर में लिखी हुई है, इमेज जो है ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू से कितने डिस्टेंस पर, डी डिस्टेंस पर, क्योंकि अभी हम लोग जो केस कर रहे हैं कौन सा, द फाइनल इमेज इज फाउंड एट कैपिटल डी, तो ये फाइनली क्या बचेगा, डी अपॉन यू ई इंटू वी ओ अपॉन यू ओ। अब हम लोग कुछ पोर्शन बच्चों इसका रब करेंगे, सो दैट यू आर वी आर एबल टू यूज द स्पेस, ये अभी हम रब कर दे रहे हैं, जो चीज काम की है अभी हम लोग वी आर री राइटिंग दिस, दिस इज एल वन, दिस इज एल टू, दिस इज आई पीस एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव, परफेक्टली ओके। अब इसमें अभी हम लोग ये बोलते हैं कि द फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन, अब आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, वन अपॉन एफ ई आई पीस के लिए अप्लाई करना है, आई पीस में फाइनल इमेज कहां पर बन रही है, डी डिस्टेंस पर, और ऑब्जेक्ट कितना है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू की वैल्यू यू ई है और इमेज डिस्टेंस माइनस डी है, यू की वैल्यू माइनस यू ई, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में इंसिडेंट लाइट इज टुवर्ड्स द राइट साइड, इसलिए लेफ्ट वाले सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव आएंगे, तो यू की वैल्यू कितनी, माइनस यू ई और वी की वैल्यू माइनस डी, अगर आप रखेंगे ये बिल्कुल वैसे ही है जो सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था, तो क्या बन जाएगा ये, वन अपॉन एफ ई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन यू ई, तो वन अपॉन यू ई डी इंटू एफ ई, और यू ई की वैल्यू डी प्लस एफ ई, यह भी तो यू ई की ये वाली वैल्यू अभी हम लोग इसमें यूज करेंगे, इस रिलेशन में फाइनल रिलेशन क्या आएगा ये अब हम लोग लिख ले रहे हैं, फाइनल रिलेशन बच्चों यहां कहीं पर लिख रहे हैं, मैग्निफिकेशन विल बी माइनस डी अपॉन यू ई, तो यू ई की वैल्यू कितनी है, डी इंटू एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई इंटू वी ओ अपॉन यू ओ,
ऐसा कुछ है, इसमें डी और डी कैंसिल होगा, ये डी प्लस एफ ई बच्चों ऊपर आ जाएगा, डी प्लस एफ ई अपॉन एफ ई वी ओ अपॉन यू ओ, और ये कितना आ गया, वन प्लस डी अपॉन एफ ई इंटू वी ओ अपॉन यू। तो अभी आप ये रिलेशन को देखो ध्यान से, ये रिलेशन तो अभी हम लोग मालूम है ऑलरेडी, सिंपल माइक्रोस्कोप में अभी हम लोगों ने ये रिलेशन किया था, अभी हमने बार बार यही कहा था उस समय भी कि आप इसको अच्छे से करना, इसलिए अच्छे से करना क्योंकि ये आगे यूज होने वाला। अब इसका यूज क्या है देखो जरा, हम लोगों ने इसमें ये बोला कि अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन अगर आपको चाहिए है तो दोनों लेंसेस के मैग्निफिकेशन निकाल कर आप मल्टीप्लाई कर लो, दोनों लेंसेस के मैग्निफिकेशन, तो पहले लेंस का मैग्निफिकेशन बच्चों कितना आ जाएगा, पहले लेंस का मैग्निफिकेशन वी ओ अपॉन यू ओ, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर दूसरा लेंस हमने क्या बोला, पहले लेंस का मैग्निफिकेशन कितना आ गया, VO अपॉन UO, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दूसरा लेंस क्या काम करेगा बच्चों, दूसरा लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा, और सिंपल माइक्रोस्कोप का ये मैग्निफिकेशन है 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, पहले लेंस का मैग्निफिकेशन VO अपॉन UO, और दूसरा लेंस किसकी तरह काम कर रहा है, दूसरा लेंस जो है इसमें दूसरा लेंस इसमें किसकी तरह, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है, और सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी अपॉन एफ ई ऐसा कुछ आएगा। सो दिस इज द फाइनल रिलेशन, ये पहले लेंस का मैग्निफिकेशन है, ये दूसरे लेंस का मैग्निफिकेशन जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट, इसके बाद सेकेंड केस, सेकेंड केस इसमें क्या है, ये बच्चों जो फाइनल इमेज बनती है, अभी हम लोगों ने बोला कि आप अनएडेड आई के साथ इसको पास में लेकर आते जाओ, एंगल बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम अल्फा कब मिलेगा जब ये 25 सेंटीमीटर पर है, तो अल्फा आपने तब ले लिया, फिर इंस्ट्रूमेंट लगाया, इंस्ट्रूमेंट लगाने पर उसकी इमेज बड़ी हो गई, इमेज बड़ी हो गई मतलब एंगल उसका बड़ा हो गया, बीटा बोल दिया, फिर बीटा को भी बड़ा करो, बीटा को कैसे बड़ा करो, इमेज को पास में लाते जाओ, कहां तक ला सकते हैं, 25 सेंटीमीटर तक ला सकते हैं। तो ये पहला केस अभी हम लोगों ने कर लिया, जब फाइनल इमेज कहां पर बन रही है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, है ना। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया, ये लेकिन जो विजन रहता है बच्चों, ये स्ट्रेन्ड विजन रहता है, अब हम लोग सेकेंड केस जो इसमें लेते हैं वो है रिलैक्स विजन का। तो ये सब कुछ बच्चों अभी हम लोग रब कर दे रहे हैं, इसमें क्या क्या यूज होगा हम सिर्फ उसी को रखेंगे यहां पर। चलो जो जरूरत लगेगी लिख लेंगे, नेक्स्ट है इसमें रिलैक्स डिविजन। फाइनल इमेज फॉर्म डेट इन्फिनिटी, और ये बच्चों नॉर्मल एडजस्टमेंट कहलाता है, इसमें अब क्या होगा, ये पहले लेंस ने जो इमेज बनाई है वो
वो दूसरे लेंस के फोकस पर, ये डायग्राम थोड़ा सा और छोटा कर दे रहे क्योंकि उसके साथ वो ओवरलैप करेगा। अब ये बच्चों ए बी है ऑब्जेक्ट, ये ए डैश बी डैश। अब इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इमेज इज फॉर्म्ड एट व्हाट एफ ई, ये कितने डिस्टेंस पर बन गई बच्चों, ये जो पहली इमेज बनी है वो दूसरे लेंस के फोकस के ऊपर बनी। अब इसके बाद डायग्राम अच्छा सा नहीं बना, चलो ठीक है, अब इसमें जो फाइनल इमेज बनेगी बच्चों कहां पर, इन्फिनिटी पर। तो अब इसमें क्या चेंज आया, यूई is equal to FE, final image, if final image is formed at infinity, if final image is formed at infinity, then L1 forms image A dash B dash, A dash B dash at the focus of L2। पहले लेंस ने जो इमेज बनाई है वो दूसरे लेंस के फोकस पर है, और दूसरे लेंस के अगर फोकस पर है तो इसकी फाइनल इमेज कहां पर बनेगी, इंफिनिटी पर। तो बस इसमें एक चेंज ये आएगा कि UE जो अब हम लोग लेते थे, ये पॉइंट B dash जो है यहां कहीं पर आ गया, तो UE किसके बराबर आ जाएगा, FE के बराबर। तो रिलेशन क्या था अभी हम लोगों के पास, रिलेशन था अभी हम लोगों के पास मैग्निफिकेशन का माइनस VO अपॉन UO इनटू क्या था, D अपॉन UE, ये रिलेशन था। अब इसमें UE की वैल्यू किसके बराबर रख लेंगे, VO अपॉन UO इनटू D अपॉन FE। ये इस चीज को बच्चों याद रखना, सिंपल माइक्रोस्कोप वाला केस, हमने ये बोला था कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये कब मिलता था, जब फाइनल इमेज कहां पर बनती थी, 25 सेंटीमीटर पर। लेकिन अभी हम लोग ये बोलते थे कि फाइनल इमेज अगर बहुत पास से बन रही थी वो स्टेंड विजन है। रिलैक्स विजन कब होता, जब आप ऑब्जेक्ट को दूर देखते हो, किसी भी चीज को दूर से देखते हो तो वो रिलैक्स विजन है। तो रिलैक्स विजन में ये डी अपॉन एफ ई आता था सिंपल माइक्रोस्कोप। तो दो लेंसेज आ रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, पहले लेंस का मैग्निफिकेशन VO अपॉन UO, VO अपॉन UO दोनों जगह पर है, VO अपॉन UO। फिर उसके बाद जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन है, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, और यहां पर डी अपॉन एफ ई, यही दो केसेस आए थे। तो अब इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फायदा यह है बच्चों, इसमें मैग्निफिकेशन एज लार्ज एज 2500, इतने तक मैग्निफिकेशन अभी हम लोगों को मिल जाते हैं, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव है जो कि ये शो करता है कि फाइनल इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनती है। फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो दिस फिनिशेस द टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब नेक्स्ट टर्न पर बच्चों अभी हम लोग टेलीस्कोप लेंगे, एंड दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।